आपने बायप्रिज्म ललाट पढ़ लिया, दोनों का डिफरेंस पढ़ लिया। बायप्रिज्म में क्यों, कैसे आपका इंटरफेरेंस होता है, सेंट्रल फ्रिंज उसमें बाइक उसमें आपकी ब्राइट होती है, और ललाट मिरर में आपका जो सेंट्रल फ्रिंज होता है डार्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट हमारा आइटम है, दैट्स अ फ्रेस्नल डबल मिरर। लेलॉर्ड में सिंगल मिरर आपने यूज किया था, अब आप फ्रेस्नल का डबल मिरर यूज करते हो। फ्रेस्नल बायप्रिज्म भी है और फ्रेस्नल डबल मिरर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको दो प्लेन मिरर यूज करने हैं, और दोनों प्लेन मिरर जो है वो बहुत स्मॉल एंगल पे इंक्लाइंड हो। आप अगर रिकॉल करेंगे तो बायप्रिज्म में भी ऐसा ही था, आपने बायप्रिज्म को ऐसे सेट किया था कि उसके बेस के दोनों एंगल वो टोटल 1 डिग्री का था, और बाकी आपका 179 डिग्री का तीसरा एंगल था। उसी तरीके से यहाँ भी है, तो दोनों प्लेन मिरर रखा गया है वो बहुत स्मॉल एंगल पर रखे गए हैं, ठीक है। और आपके जो मिरर्स हैं उनके फ्रंट सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है। क्यों? अगेन आप बैक रिफ्लेक्शन नहीं चाहते हैं, ठीक है। और इट्स नियरली 180 डिग्री, जैसे आप वहां 179 डिग्री रख रहे थे, इट्स नियरली 180 डिग्री। आप अरेंजमेंट देखना चाहें देखिए, दैट इज मिरर M1, ये है मिरर M1, ठीक है, ये है मिरर M2, ये है मिरर M2, ये आपका है मिरर M2, और M1 की लाइन आपके सीधी ये जाती, तो यही M1 और M2 के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। थीटा बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आपका ये जो एंगल है वो लगभग लगभग 180 है, ठीक है। इसका मतलब ये एक से भी कम होगा, एक होगा मैक्सिमम। चलिए, ऐसे मैंने कहा कि फ्रंट सरफेस को हम सिल्वर कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें रिफ्लेक्शंस ना मिले। तो आप सिंपली देखिए, सिंपल थोड़ी बहुत मैथ ज्योमेट्री है, उसको हम बाद में बात करेंगे। आप लाइट का आपने सोर्स यहाँ लिया, ठीक है, सोर्स से आप लाइट डालेंगे तो देखिए एक मिरर पे गिरेगा, एक ये आपका आया और दूसरा यहाँ आया, एक आपका ये आया और दूसरा आपका ये आया। देखिए M1 पे गिर रहा है, इस चलते साथ ही साथ इसका रिफ्लेक्शन भी देखते चलिए। तो जो यहाँ गिरा वो आपका इधर गया, और जो यहाँ गिरा वो आपका ये रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये वाला पोर्शन। अब आप दूसरा देखिए, अब इस मिरर M2 पर गिरा रहे हैं, हम कॉर्नर पर गिराए हैं। आप में से कोई सोच सकता है कि लाइट यहाँ गिर रहा है तो यहाँ से कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हमारे बनाने में गलती हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर डिजाइन सही, इसलिए मैंने इसको देखिए बहुत मोटा किया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने बहुत मोटा किया इसका। इससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो अटैच पोर्शन है, तो मिरर को अगर आप, मैं थोड़ा और अच्छे से डिजाइन कर दूँ कि ये M1 है और ये आपका M2 है, ठीक है। अब मैं कलर बदल दूं, ये M2 है, ठीक अब देखिए यहां से एक लाइट आपका आएगा, देखिए ये एक लाइट आपने मिरर पे यहां से गिराया अगर सोर्स है तो, और दूसरा आपने यहाँ गिराया, ठीक है। और यही लाइट इस सरफेस पे भी, इसके लिए भी रिफ्लेक्ट बैक होगी,
और इस सरफेस के लिए भी मान लिया जाएगा, तीसरा हम इसके इस कॉर्नर पर गिरा रहे हैं, तो वही हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ आपको जो दूरी दिख रहा है, असल में दूरी नहीं है, वो हमारे डिजाइन में बनाने में गड़बड़ी हुआ है, मेरी आर्ट बहुत ही खराब है, तो वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पोर्शन असल में ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये एक ही है, ये पूरा पोर्शन एक ही है, इसलिए यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दो दो रेस थी, इसका और इसका रिफ्लेक्शन होके ये और ये मिला आपको, और फिर इसका और इसका रिफ्लेक्शन से ये और आपको ये मिला। ठीक है, पुराना टेक्निक फिर से लगाइए। अगर ये मिरर ना हुआ होता तो ये वाली जो रे है उसको हम स्टैंड बैक करते, और ये वाली जो रे है इसको भी स्टैंड बैक करते, तो यहाँ आता। फिर देखिए जो रिफ्लेक्शन यहाँ आया हुआ था एक मिरर का, और इस कॉर्नर पे जो एक रिफ्लेक्शन होगा वो ये होगा, ये चौथा वाला एक रिफ्लेक्शन तो इसी सर M1 से होगा, और एक रिफ्लेक्शन M2 से होगा, तो M1 से आपका ये गया और M2 से आपका ये हुआ, M2 वाले को भी बैक करिए तो S1 पे जाकर ओवरलैप करेगा, और यहां से आप यहाँ वाले को नहीं है। ये S2 का बैक हो जाएगा। इस तरीके से आपको दो सरफेस S1 और S2 मिलेंगे। मैं एक बार डिजाइन कर देता हूँ इसको फिर से। देखिए ये है मिरर M1, ठीक है, आपका यहाँ सोर्स है, आपने एक लाइट यहाँ गिराया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा आपने यहाँ गिराया, मिरर को यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, और ये आपका दूसरा रिफ्लेक्शन है। जब मैं दूसरे की बात करूंगा, मिरर M2 जो थोड़ा सा एंगल्ड होगा, ठीक है, थोड़ा सा एंगल्ड है, मान लीजिए ये जो रे इस पर आ रही है वो इधर शिफ्ट होगी, और जो यहाँ से रे आया वो आपका इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब जब आप मिरर को हटा देंगे, मेरे कहने मतलब है कि अगर मिरर नहीं मानेंगे और प्रेस बैक पीछे करेंगे, तो आप देखिए इसको मैंने थोड़ा पीछे किया और थोड़ा पीछे इसको किया, इसको किया, तो ये S1 निकाला गया वर्चुअल, क्योंकि हमने प्रेस बैकिंग की है। उसी तरीके इसको मैंने पीछे किया और इस वाले को थोड़ा पीछे करेंगे, डिजाइन सही नहीं बना लेकिन पीछे करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा S2। यही दो आपके वर्चुअल सोर्सेज हैं S1 और S2। चलिए एक बार फिर से आप पुराने स्टैंडर्ड में आ गए, जब आपको दो वर्चुअल सोर्स मिल गए S1 और S2, दूरी हो जाएगी कैपिटल डी। हम मान रहे हैं कि स्क्रीन से लेके पहले मिरर, दोनों मिरर के कॉर्नर की दूरी ए है, और मिरर से लेके स्क्रीन की दूरी बी है, तो टोटल स्लिट से लेके मिरर की दूरी क्या हो जाएगी, दैट इज कैपिटल डी, एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही आप पहले से भी करते आए हैं, ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा सा ज्योमेट्री भी समझते चलिए, ये काम आता है। देखिए सिंपली ये जो एंगल है वो थीटा है, मतलब दो मिरर्स के बीच का ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। अब आप कोई भी दो लाइट लेंगे,
रिफ्लेक्स अगर दो दो मिरर्स के बीच का एंगल थीटा होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल कितना होता है? 2 थीटा। ये आपने बेसिक क्लास 9 पढ़ा होगा उसमें ऑप्टिक्स में। तो दो मिरर्स के बीच की दूरी सॉरी बीच का एंगल थीटा है तो दो रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का एंगल 2 थीटा होगा, और ये पैरेलल है इसका मतलब इसके और इसके बीच का एंगल भी आपका 2 थीटा होगा। यही एंगल 2 थीटा है और बाय ज्योमेट्री दिस इज आल्सो कॉल्ड 2 थीटा। तो दो स्लिट जो है वो आपके 2 थीटा के एंकर एंकर पे हैं। यही चीज आप नैरो स्लिट है, ठीक है, आपको मालूम है कि नैरो ही चाहिए क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिवीजन कर रहे हैं। सब चीजों का रीजन है, इसको ध्यान रखिएगा। नैरो स्लिट और आप नैरो छोड़ ओके, उसके आपके मिरर सरफेस पे इंटरेक्शन हो रहा है, उससे आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। एक जो वेवफ्रंट का पार्ट है वो एक मिरर से और दूसरा जो वेवफ्रंट का पार्ट है वो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। दो वर्चुअल इमेजेस बन रहे हैं S1 और S2 जिनको आप कोरेंट सोर्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो आप मान सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस फिनामना है वो दो सोर्स S1 और S2 के बीच है, और वो रीजन देखिए ये रीजन b और e के बीच में बन रहा है क्योंकि सोर्स आपका यहाँ S1 और S2 है, ठीक है। दोबारा सेम चीज हम करेंगे जो पहले से करते आए हैं। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी, दोनों के बीच का आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। व्हाट इज कैपिटल डी? कैपिटल डी जो है डिस्टेंस है स्लिट से लेके स्क्रीन के बीच, और वो कितना है आपके पास? a+b, बिकॉज a क्या है? स्लिट से लेके मिरर के दोनों मिरर के कॉर्नर की दूरी या दोनों मिरर के इंटरसेक्शन की दूरी प्लस वहां से आपके स्क्रीन की दूरी b है। तो टोटल डिस्टेंस हो गई a+b और दो स्लिट के बीच की दूरी है स्मॉल d। अब आप यहाँ पे दो मिरर किस एंगल पर रखे गए अगर वो आपको दिया हो तो वहां से आप स्मॉल d निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ज्योमेट्री में आप सिंपल ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है। देखिए ये डिस्टेंस डी है, ये एंगल 2 थीटा है, आपको पता है। अगर आपको ये निकालना है ए तो टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई डी, थीटा बहुत ही स्मॉल है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू ए बाई डी और वहां से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। यहां से आप डी पा गए और डी की वैल्यू आपने 2a थीटा रख दिया, ठीक है। और आपने टेन थीटा को थीटा इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि थीटा आपका बहुत स्मॉल है। तो फिर से सेम है, अब यही काम आप पहले भी कर रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे एक्स्ट्रा था, आप डी डायरेक्ट मांग रहे थे। इस प्रॉब्लम में फ्रेसनल के डबल मिरर में डी को हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। और सिंपल सा आप ज्योमेट्री जानते भी हैं यहाँ पे कि अगर ये आपका आर्क है, ये डिस्टेंस है, ये आपका डी है, ये आपका ए है, जो आपका टेन थीटा होगा ये पोर्शन जिसको आप कह सकते हैं दैट इज बी बाई ए। तो थीटा आपका स्मॉल है और चूंकि यहाँ एंगल 2 थीटा है ये 2 थीटा हो जाएगा, थीटा स्मॉल है
थीटा भी स्मॉल होगा, टेन टू थीटा का टू थीटा कर सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई ए। ठीक है, हम फिर से कंपेरिजन करेंगे बाय प्रिज्म और डबल मिरर में। देखिए यहाँ भी इन्होंने उसमें डबल प्रिज्म यूज किया था, इसमें इन्होंने डबल मिरर यूज किया है। ठीक है, अरेंजमेंट में कोई समस्या नहीं होगा, बस आपका होगा क्या फ्रिंजेस की विड्थ, फ्रिंजेस की विड्थ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब ये जो आपका थीटा है और वहां जो आपका एंगल आपका था वहां भी बीटा, देखिए आप कैसे निकाल रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भी आप एंगल का टर्म निकाल रहे हैं। ये स्मॉल डी है ना, आप यहाँ पर डी निकाल, यहाँ को भी आप थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ भी आप थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये एंगल आपका है थीटा और ये डिस्टेंस आपकी ए, तो नाउ थीटा इज डी बाई ए, तो आपको डी यहां मिल गया, सॉरी ए बाई डी। एक मिनट, tan theta is equal to d by a, तो टू ये theta को theta कर देंगे, सॉरी theta हो जाएगा, that is equal to d by a, ठीक है, तो d is equal to कितना हो जाएगा a theta। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए थीटा, किसके केस में, बाइप्रिज्म के केस में। और यही चीज डबल मिरर के केस में कितना आ जा रहा है, टू ए थीटा। तो आपको यहां हम कंपेरिजन करा दे रहे हैं, आपने कैलकुलेशन किया था, ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया था डी बाय प्रिज्म, एंड दैट इज नथिंग बट द ए थीटा। और आप जानते हैं कि डी बाय डबल मिरर फ्रॉम डी की तरफ एंड डबल मिरर दैट इज टू ए थीटा। और आपको मालूम है कि फ्रिंज की जो विड्थ होती है सिंपल वे में होती है लैम्डा कैपिटल डी, ठीक है, बाय स्मॉल डी, ठीक है, सब कुछ काम सेम रखते हैं, ए सेम रख देते हैं, बी सेम रखते हैं, सब सेम रखते हैं, केवल थीटा वेरिएबल होगा, ठीक है, इवन के थीटा भी आप कांस्टेंट कर लीजिए एक समय के लिए। तो आप देख पा रहे हैं जो स्मॉल डी है वो बाय प्रिज्म का कम है और डबल मिरर का ज्यादा है, तो जिसका डी ज्यादा होगा उसका विड्थ कम होगा, इसीलिए डबल मिरर जो है वो नैरोवर होते हैं क्योंकि उनकी विड्थ कम है, वो पास पास होंगे, इनके बीच की दूरी कम होगी, ये बीटा आपका कम है, अगर बीटा ज्यादा होता तो क्या होता, यहां से यहां होता, इसीलिए डबल मिरर के केस में बीटा जो है आपका कम है, इसीलिए हम कहते हैं कि डबल मिरर फ्रिंजेस जो होती हैं वो नैरोवर होती हैं देन द बाय प्रिज्म फ्रिंज। और यही आप समका देखो शो करिए तो आपको यही चीज दिखाना है, तो आप रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब मैंने एक बार ये पूछा था तो
80% इसी में गायब हो गए, कहीं से लिखी नहीं, पर सीधा से हल्की सी मजबूरी से जो आप समझेंगे तो कर ले जाएंगे, रट के आएंगे तो नहीं करेंगे। ओके, सो मैं थोड़ी देर के लिए विंडो ओपन करता हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं।